आज सबसे पहले बात उस संसद की जिसकी इमारत बदलने वाली है, लेकिन संसद में बैठने वालों की हंगामे की सियासत बदलती नहीं दिखती। सांसदों विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत कुछ विशेष शक्तियां, कुछ विशेष अधिकार और कुछ खास संरक्षण मिला हुआ है। सवाल यह है कि हंगामा भी क्या विशेषाधिकार बना लिया गया है? संसद को न चलने देना क्या लोकतंत्र की नई विधा और नई राजनीति का तरीका है? जिस संसद में 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और विश्वास निहित है, उसी संसद के उच्च सदन में अगर 40% समय हंगामे में बर्बाद हो जाए तो दस्तक देकर पूछना जरूरी है कि संसद की यह सूरत कैसे बदलेगी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हाउस स्टैंड्स एडजर्न। सभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है। पिछले एक दशक की इन तस्वीरों में हल्ला है, हंगामा है, सदन की गरिमा को तार तार करने वाली असंसदीय हरकतें हैं। मर्यादा को ऐसी खोच लगाई गई जिन्हें अपने अपने वक्त में राजनीति में जनहित का पैबंद लगाकर सबने अपना हित साधा। अपने हित की राजनीति के हंगामे की तस्वीर अब भी राज्यसभा में दिखती रही। नतीजा हंगामे के बाद बजट सत्र के अगले हिस्से के लिए 13 मार्च तक राज्यसभा का सदन स्थगित हो गया। पूरा देश हमसे उम्मीद रखता है, देश हमसे उम्मीद रखता है कि राज्यसभा में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो। डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग के नाम पर हुआ क्या? राज्यसभा सिर्फ 63% चली, यानी 37% वक्त जनता के पैसे से चलती संसद में उच्च सदन के भीतर बर्बाद हुआ। 13 फरवरी तक 10 दिन के भीतर राज्यसभा 26 घंटे 30 मिनट चली, 70% वक्त सिर्फ गैर विधायी कार्यों में खर्च हुआ, यानी कह सकते हैं 10 दिन में औसत 9 घंटे यानी प्रतिदिन 1 घंटे से भी कम वक्त प्रमुख कामों में राज्यसभा में खर्च किया गया। संभव है कि यही वजह रही सोमवार को भी हंगामे के आसार देख पहले सभापति ये कहने को मजबूर हुए। आज के दिन भारत की जनता चाहती है कि राज्यसभा की कार्यवाही सही तरीके से चले। जनता चाहती है कि हम डिबेट करें। ये कहने भर पर सदस्यों ने शोर शुरू किया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया गया। एंड रूल्स और प्रोसीजर। नेता विपक्ष बोलने को खड़े हुए तो सत्ता पक्ष के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। जब राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल बोलने खड़े हुए तो विपक्षी सांसद अदाणी अदाणी के नारे लगाते हैं। नतीजा सभापति ये कहने को फिर मजबूर हो गए। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हमें हमारा आचरण उस मापदंड पर रखना है कि देश की जनता हमारे बारे में सकारात्मक रवैया रखे। हर सदस्य से मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने आचरण में संविधान निर्माताओं की भावना को और भारत के संविधान के मूल मंत्र को ध्यान में रखें। संविधान बनाने वाले सदन में 5वीं के बच्चों जैसी हरकत नजर आई। सभापति नाराज होकर हंगामा करने वाले सांसदों का नाम पढ़ने लगे तो सांसदों ने छोटे बच्चों की तरह यस सर, प्रेजेंट सर बोलकर मजाक उड़ाया। लेट अस नॉट रिडिक्यूल दिस टेम्पर टू दैट लेवल। जो आचरण कर रहे विपक्ष की 3 दलील है। अदाणी विवाद में जेपीसी की जांच हो, राहुल और खड़गे के भाषण के हिस्से कार्यवाही से क्यों हटाए गए और सदन में वीडियो बनाने वाली कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल का निलंबन वापस हो। सत्ता पक्ष साफ कहता है कि प्रधानमंत्री को सदन में बोलने से रोकने वाले सांसद माफी मांगे, माफी मांगकर विपक्ष भरोसा दे कि आगे सदन चलने दिया जाएगा। अगर आप माफी मांगे जो आपका अभद्र व्यवहार रहा है, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को होने नहीं दिया, जो आप सबका व्यवहार पूरे देश ने टेलीविजन पे देखा, दुनिया ने देखा कि विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता
जिसके जिनके ऊपर पूरे विश्व की आशाएं अपेक्षाएं टिकी हुई है, जिनको पूरा विश्व आज मानता है कि सबसे लोकप्रिय नेता, 8 वर्ष तक लगातार पूरे विश्व में अगर कोई रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जिस प्रकार से आपने अभद्र व्यवहार किया उसकी माफी मांगिए, उसके लिए आप पश्चाताप करिए। द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इंसल्ट्स मी, ही सेज व्हाई इज योर नेम गांधी एंड नॉट नेहरू। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री डायरेक्टली इंसल्ट्स मी, बट हिज वर्ड्स आर नॉट टेकन ऑफ द रिकॉर्ड, बट इट डज नॉट मैटर बिकॉज द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट। न ये राजी न वो राजी, आगे क्या होगा? 13 मार्च को सदन फिर शुरू होगा, तब तक दस्तक देता सवाल। क्या बजट सत्र के दूसरे हिस्से में संसद चलेगी, जबकि राज्यसभा में 26 बिल पेंडिंग है? पिछली बार बजट सत्र में राज्यसभा में 90% काम हुआ था, इस बार पहले हिस्से में 63% ही हो पाया। पहले हिस्से में जनता के हित के सवाल पूछने वाले जरूरी प्रश्नकाल में 10 दिन में सिर्फ 110 मिनट यानी प्रतिदिन केवल 10 मिनट ही सांसदों ने हमारे देश के चुने हुए खर्च किया है।